आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 49 में सामाजिक अंकेक्षण की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता स्थानीय वार्ड पार्षद नीलम देवी ने की। मौके पर महिला पर्यवेक्षिका सहित अन्य लाभुक मौजूद रहीं। बैठक में मूल रूप से सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया 2014 के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर समुदाय स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा हुई, जिसमें 0 से 3 वर्ष तथा 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण पंजी की समीक्षा की गई। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यों की भी समीक्षा हुई। OTP सत्यापन के द्वारा पोषाहार वितरण की समीक्षा तथा अन्य कार्य जो आंगनबाड़ी से जुड़े थे, सब पर चर्चा की गई। आज सामाजिक अंकेक्षण का बैठक थी, साल में 2 बार होता है, 20 जून और 20 दिसंबर और संडे के वजह से आज 21 तारीख को इसका बैठक हुआ। क्या क्या हुआ बैठक में? इस बैठक में जो आंगनबाड़ी के जो होता है, जैसे टीकाकरण और गोद भराई, SCCDA, वजन और अभी टोकन के माध्यम से सभी लाभुक का DBT बैंक खाता आधार लेकर DBT किए, उसके बाद उन लोग को टोकन आया, उसी माध्यम से उन लोग को राशन दिया गया, उसके बारे में भी जानकारी दी है उन लोग को। वार्ड पार्षद थे, महिला परिवेक्षिका आई थी, लाभुक थे। अच्छा, ये बताइए कि मतलब कोरोना से जुड़े हुए किसी बात पर चर्चा हुई? कोरोना के वजह जो अभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, उस सब के भी बारे में उनको जानकारी दी।